फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके साथ चावल के आटे से बनी दूध पुआ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम दूध उबाल लेंगे। तो मैंने यहाँ दूध उबालने के लिए 1 लीटर दूध इस्तेमाल किया है। तो देखिए दोस्तों, दूध में उबाल आ चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ 500 ग्राम चावल का आटा लिया है, ये करीब 4 कटोरी के बराबर है। अब हम इसे हल्की गर्म पानी से घोलना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये अच्छी तरह से घुल चुकी है। इसे इतना पतला घोलेंगे। अब हम घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ खजूर गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गुड़ में 1 कटोरी पानी मिला दिया है। मैंने 2 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, आप अपने मीठे के अनुसार गुड़ या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें इलायची कूट कर डाला है। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे उबाल लेंगे। तो देखिए, अब ये अच्छे से उबल चुकी है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने तवा को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और तवा गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ कॉटन के कपड़े से ऑयल लगा लिया है। देखिए, इस तरह से आप भी ऑयल लगा लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे। अब इसमें पोहा रखेंगे। पोहा रखने के लिए मैंने एक छोटी सी प्याली का इस्तेमाल किया है। पोहा रखने के बाद इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। जब तक पोहा पक रही है, इसे किसी चीज़ से ढक दे। चलिए अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, पोहा अभी तक थोड़ी कच्ची ही है। इसे दोबारा ढक देंगे। तो चलिए इसे फिर से चेक करते हैं। देखिए, हमारा पोहा तैयार है, देख सकते हैं। अब इसे उठा लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारे पोहे तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे पोहे बनकर तैयार है। तो अब हम दूध के तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो हमने मीठा घोल तैयार किया था वो हम दूध में मिक्स कर देंगे।
देखिए अब ये मिल चुकी है। अब मैंने जो पोहा तैयार किया था एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स इसके रेडी होने के एक या दो घंटे बाद इसे खाने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। मैंने सारे पोहे दूध में रख दिए हैं। अब मैंने इसके ऊपर से नारियल का बुरादा रखा है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। दूध पोहा बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाला है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी अच्छी पोहा बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें।